कैसे हैं आप सब? अभी जा रहे हैं भुवनेश्वर और कुछ दूर अभी पैदल चलना होगा। अभी रेलवे स्टेशन जा रहे हैं, उसके बाद वहां से ऑटो पकड़ के फिर रेलवे स्टेशन जाएंगे। तो दोस्तों अंधेरा है, अभी सुबह का 5:30 बजा है, तो चलिए अभी फ़िलहाल चलते हैं। दोस्तों अभी भी चल ही रहे हैं, इतना सुबह सुबह ऑटो भी इधर नहीं मिल रहा। एक आगे मेन रोड है, हो सकता है वहीं से हमें मिले। दोस्तों यही है पाठलडी स्टेशन, रेलवे स्टेशन, यहाँ से आद्रा जाएंगे। दोस्तों यहाँ जब मैंने टिकट लिया तो अब भी पहले वो टिकट देख लीजिए। यार पहले ज़माने का टिकट यहाँ मिलता है, और डायरेक्ट यहाँ से मैंने भुवनेश्वर का टिकट मांगा तो उन लोगों ने नहीं दिया, तो हमें तो अजीब लगा यार कि अभी भी इस तरह का टिकट मिलता है। अभी यही है प्लेटफॉर्म, मैं थोड़ा आगे चला आया हूँ। दोस्तों ट्रेन आ चुकी है और ये थोड़ी देर यहाँ पर रुकती है। ये ट्रेन स्वर्णरेखा एक्सप्रेस है, इससे मैं आद्रा तक जाऊँगा, उसके बाद वहाँ से फिर दूसरा ट्रेन मैं पकड़ूँगा जो विवेक एक्सप्रेस है, वो वहाँ पर 10 बजे है और ये 8 बजे तक हमें वहाँ तक पहुँचा देगी, आद्रा तक। तो चलिए उतर चुके हैं और स्टेशन से थोड़ा दूर आए हुए हैं, प्लेटफॉर्म के थोड़ा बाहर, और अभी विवेक एक्सप्रेस आने में समय है जो भुवनेश्वर जाती है। 10 बजे उसका समय है और अभी 9 बजा है, और तब तक खाना खा लेते हैं यार, उसके बाद टिकट भी कटा लेंगे, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों हमारी ट्रेन विवेक एक्सप्रेस आ रही है जो कि भुवनेश्वर तक जाएगी। तो दोस्तों ट्रेन पे हम चढ़ चुके हैं और ये ट्रेन का जनरल डब्बा है और उसी से हम सफ़र करेंगे। यहाँ से भुवनेश्वर 8 घंटा का लगभग टाइम लेता है भुवनेश्वर पहुँचाने में। तो आप देख सकते हो दोस्तों जनरल डब्बा में कितनी भीड़ है, क्योंकि ये सबसे लंबी दूरी तय करने वाला ट्रेन है, इसलिए लोग काफ़ी दूर से आ रहे हैं और काफ़ी दूर तक जाएंगे। तो उधर तो जाने का जगह ही नहीं मिला, हम लोग गेट पे ही खड़ा है, आप लोग देख सकते हो, और खड़े रहने का भी उतना अच्छा से जगह नहीं है, तो उतनी अच्छी से सूट मैं नहीं कर पाया,
और देख सकते हैं कि लोग बाथरूम के तरफ भी बैठे हुए हैं, और कई लोग तो रात भर यार सोते नहीं हैं, 24-24 घंटा का सफ़र तय करते हैं इसी जनरल डब्बा से। हम तो फिर भी 8 घंटा का ही कर रहे हैं, तो काफ़ी मुश्किल से लोग यार सफ़र कर पाते हैं इसमें। जैसा कि आप देख सकते हो ऊपर में जो देख सकते हो हरे रंग का दोस्तों, उस पर भी चादर बांध कर और उसी में आदमी सोया हुआ है। तो लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, इसलिए कुछ ना कुछ तो उपाय लोग लगाते हैं। और देख सकते हो यार अब किसी तरह बस पहुंच जाए वहाँ। और वॉइस ओवर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आती नहीं, इतना शोरगुल था और ट्रेन भी चल रही थी और ट्रेन की आवाज़ भी काफ़ी थी, तो इसलिए हम वॉइस ओवर कर रहे हैं। दोस्तों अभी भुवनेश्वर हम उतर चुके हैं, अब फिर अंधेरा हो गया दोस्तों, और अब चलते हैं, रूम कहीं देखना है और फिर भोजन की तलाश करना है। तो चलिए रूम देखने चलते हैं। ये देख सकते हैं भुवनेश्वर स्टेशन, अभी दोस्तों हम जा रहे हैं रूम ढूंढने के लिए। कल मेरा एग्ज़ाम है, आप लोगों को बताया नहीं था लेकिन बता रहा हूँ, कल मेरा एग्ज़ाम है टेक्नीशियन का, स्टेज 2 वाला। एक बोतल कितना में भैया? 8 रुपया। चलिए वो दे दीजिए। दोस्तों अभी मैंने सभी जगह ढूंढ लिया, कहीं भी हमें लॉज नहीं मिला। लॉज तो बहुत था दोस्तों लेकिन खाली एक भी नहीं था, सब पहले फुल हो चुका था। तो बहुत ढूंढा यार, कहीं नहीं मिला। अब फिलहाल जा रहे हैं खाना खाने के लिए, कोई अच्छा सा होटल देख के। दोस्तों बहुत ढूंढने के बाद हमारा एक होटल मिल गया है, जहाँ की आप देख सकते हो ऊपर लिखा हुआ है प्योर वेज विदाउट ऑनियन गार्लिक। तो दोस्तों अभी हम खाना खा लिए हैं और अब थोड़ी जान में जान आई है, क्योंकि ट्रेन में इतनी भीड़ थी कि कहीं खा भी नहीं पाए। और अब फिर जा रहे हैं रेलवे स्टेशन की तरफ और उधर से रूम ढूंढते हुए जाएंगे, अगर कहीं मिला तो ठीक है, नहीं तो फिर रेलवे स्टेशन पर ही सोना पड़ेगा। तो दोस्तों फिर मैंने सभी जगह ढूंढ लिया रूम, कहीं भी लॉज खाली नहीं था, पहले से सब बुक था दोस्तों। अब रेलवे स्टेशन पे जा रहे हैं और वहीं जाके सोना पड़ेगा दोस्तों, अब कोई उपाय भी नहीं है। तो चलिए चलते हैं रेलवे स्टेशन की तरफ। तो दोस्तों यहीं पे हमारी रात गुजरी थी, और ये प्लेटफॉर्म पे और भी लोग, कई लोग सोए हुए हैं। और अब 4 सुबह बज चुका है और जाना होगा बाथरूम के लिए और फ्रेश होने के लिए, काफ़ी लंबी लाइन लगी होगी। तो चलिए चलते हैं दोस्तों, अब हम जा रहे हैं बाथरूम के लिए। अभी सुबह सुबह मैंने देख के आया, बहुत भीड़ है दोस्तों और एग्ज़ाम देने वाले भी काफ़ी हैं। फिलहाल मैं जा रहा हूँ, 7 बजे हमें रिपोर्ट भी करना है एग्ज़ाम सेंटर पे। तो अब
नींद भी अच्छी तरह नहीं हुआ है क्योंकि रूम कहीं भी खाली नहीं था दोस्तों, प्लेटफॉर्म पे ही सोना पड़ा। चलिए बाद में फिर कंटिन्यू करते हैं। एग्जाम सेंटर फ्रेश व्रेश होके निकल चुके हैं और अब जा रहे हैं सेंटर। तो दोस्तों बस से उतर चुके हैं और कुछ देर हमें पैदल चलना होगा, 10 से 15 मिनट, उसके बाद हमारा सेंटर आएगा। तो चलिए दोस्तों एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंच चुके हैं और आप देख सकते हैं पीछे की कितना भीड़ है दोस्तों। अभ्यर्थी बहुत ही ज़्यादा है और हम भी अभ्यर्थी ही हैं। अब चलते हैं एग्ज़ाम देने दोस्तों, इसलिए अब एग्ज़ाम के बाद फिर कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है और अब हम जा रहे हैं स्टेशन की तरफ और वहाँ खाना वाना खा कर फिर कहीं घूमने चला जाएगा दोस्तों, क्योंकि हमारा ट्रेन शाम को है, तब तक कहीं घूम लेंगे और आपको भी घुमाते चलेंगे। और अभी होटल जा रहे हैं जहाँ की अभी हम जाके खाना खाएंगे। और अभी पूरी जाने का प्रोग्राम बना है, मेरे साथ और भी कई लड़का है, दो तीन लड़का सब मिलके अभी पूरी जाएंगे। वहाँ का भी व्लॉग अभी आपको देखने को मिलेगा और पहले खाना खा लेते हैं उसके बाद जाएंगे। तो दोस्तों अभी खाना खा लिए हैं और अब रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहे हैं। वहाँ से और भी मेरे साथ दोस्त है जो कि अभी हम पूरी के लिए निकलेंगे। क्या बात है, ओप्पो वीवो। दोस्तों पूरी जाने का प्रोग्राम अभी कैंसिल हो गया है और अभी भुवनेश्वर में ही घूमेंगे। पहले म्यूजियम जाएंगे और फिर लिंगराज मंदिर। तो दोस्तों हम म्यूजियम आ चुके हैं, स्टेट म्यूजियम नाम है और बहुत सारे हिस्टोरिकल चीज़ है यहाँ, तो चलिए घूमते हैं। दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो गई है इसलिए म्यूजियम का पूरा वीडियो आपको नहीं दिखा सकते, ये आधा घंटा का खुद ये वीडियो बन जाएगा अगर पूरी वीडियो मैं आपको दिखाऊं तो इसलिए अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए दोस्तों। वो म्यूजियम और लिंगराज मंदिर घूमने गए थे उसका वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, दोस्त यार के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। और आगे इस म्यूजियम का पूरा वीडियो आने वाला है, अगर आप देखना चाहते हैं तो दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत अच्छी अच्छी हिस्टोरिकल चीज़ रखी हुई है इस म्यूजियम में, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए दोस्तों।